अस्सलाम वालेकुम ज़ोहरा बकातु, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो जी, मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। तो लेट्स गो। जी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी थोड़ी सी बहुत वो मैंने ले ली हैं, और कुछ चीज़ें जो थी वो ऑफर में काफ़ी अच्छी लगी थी पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चिकन लेने, क्योंकि चिकन है घर में पर वो मतलब फ्रोज़न हुआ होगा, मुझे अभी बनाना है, तो इसकी वजह से मैं देखने जा रही थी कि वो भी ऑफर में है। तो लेट्स सी है या ख़त्म हो गया। मुझे सारी चीज़ें मिल गई, पास्ता मिल गया है, चीज़ मिल गई है और सब चीज़ें मिल गई हैं, और अब हम चलते हैं, इसके हिसाब से रहते हैं घर। फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है, अब जाएंगे घर पे। घर पे जाके थोड़ा आराम करेंगे और फिर खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। आज मेरा मुंह थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी डाउन होती है, बट ये खाएंगे बनाएंगे, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से दिल चाहता था ब्रोकली पास्ता और पिज़्ज़ा खाने का। तो आज देखते हैं, बनाते हैं और खाएँगे। तो लेट्स गो। मुझे घर पे आ गई, घर आके थोड़ा मुँह हाथ धोया, थोड़ा फ्रेश किया खुद को, और जो चीज़ें थी जिसमें टाइम लगता है वो मैंने प्रिपरेशन करके रख दिया। पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ, तो पिज़्ज़े के लिए मैंने जो आटा गूंथ के रखना था वो भी गूंथ के रख दिया है, और पास्ता जो है वो मैं अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि उसको मैं बाद में बेक करूँगी। तो मैंने सोचा कि पास्ता को बना के रख दूँगी, जब पिज़्ज़े का टाइम होगा तो उसको एंड में से बेक करना है। तो बस ये कि पास्ता बना लेते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। भूख भी लग रही है, तो अम्मी ने सब्ज़ी बनाई है, वो खाएँगे। बस अबू का वेट कर रहे हैं, अबू आएँगे तो फिर हम खाएँगे। हमारे पास्ते का पानी उबल गया, इसमें हम पास्ता डाल देते हैं। जो दूसरी जगह हम ये ब्रोकली रख देते हैं अपनी, थोड़ी सी स्टीम करने के लिए। तो जी, सुमैया आ गई है, सुमैया काट रही है चिकन, क्योंकि बना रही है वो पिज़्ज़ा, मैं बनाऊंगी पास्ता। मैंने अपने पास्ते के लिए चिकन काट के रख लिया है, और सुमैया काट रही है अभी कैप्सिकम, टमाटर और टमाटर काट के अभी चिकन काट रही है, और मेरा यहाँ पास्ता। मैं फ्रूट निंजा खेल रही हूँ। तो जी, जो पास्ते की चिकन है वो मैंने सिर्फ नॉर्मल रखी है, ज़्यादा कुछ स्पाइसेस नहीं डाले, बस इसमें मैंने टमाटो प्यूरी और कुछ मसाले डाल के इसको अच्छे से बना लिया है। अब मैं पास्ते का जो व्हाइट सॉस है वो बनाऊंगी एंड बाकी तो देखूंगी। तो जी, आप लोग ये देख रहे हैं, ये सस्ता मक्खन लगा रही है, ये सस्ता मक्खन नहीं, बड़ा महंगा है यार, सस्ता आता था 7 रुपए का, ये बड़ा महंगा मक्खन खा के लाइफ में लगी। लेकिन खैर, ये अकेले शॉपिंग करने के नताइज होते हैं, अब सरप्राइज देने के नताइज इसी तरह। आधी ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने कर लिया, बहन पिज्ज़े की कर रही है, और अब बहुत भूख लगी। अम्मी ने बनाया है ये बहुत टेस्टी सा आलू बैगन का सालन, तो ये खाते हैं और फिर बाकी, क्योंकि एनर्जी थोड़ी बहुत चाहिए मुझे। तो जी, अलाया भी अब आ गई है। अलाया हेलो करो, इधर से देखो, देखते क्यों नहीं आप हैं? अलाया काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और पता है अलाया आप ही क्या बना रही हैं? आप ही पिज़्ज़ा बना रही है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, इधर तो देखो, देखती नहीं हो, गंदी बच्ची हो। तो ये दूसरी जगह भाई ने ये ब्रोकली रखी है, कह रहे हैं थोड़ा क्रिस्पी करो इसको तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। यहाँ कटिंग की पूरी प्रोसेसिंग चल रही है। हेलो, ये मैंने बनाया, कह रही मुझे कहती है मैंने बनाया, आप ही पास्ता खा रही है। पास्ता सॉस रेडी हो गया है मेरा, चिकन भी रेडी है, ब्रोकली भी रेडी है, पास्ता भी रेडी है, बस मैं ये एंड में डालूंगी सब, क्योंकि अभी मैं पास्ता इसमें डाल दूंगी तो ये ना इसका सॉस बहुत कम हो जाएगा। देखिए ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है, तो ये एंड में सब चीज़ें डाल के बेक करूँगी। तो जी, भाई ने ब्रोकली को क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल के, ऑलिव ऑयल डाल के एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया, और वाकई ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे रही है, ऐसे खाने में भी मज़ा आ रहा है। तो बस ये रेडी हो गई है, ये जूस बना रही हूँ मैं आइना के लिए, आइना। तो ये टोमेटो सॉस बना रही है पिज़्ज़ा के लिए, यानी पिज़्ज़ा सॉस बना रही है उसके लिए। तो ये चीज़ें जब ये रेडी कर लेती है फिर हम आपसे मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आपको अच्छा नहीं लग रहा? खुशी को तो दिखाओ, लाया कोई कोई एक्साइटमेंट। कह रही है इतने टाइम से बोल रही थी, अब जाके बनाया तो मेरा दिल भी नहीं था। तो हां, ये अमीरा का पिज्जा है, सुमैया का पिज्जा है, सॉरी ये मेरा पिज्जा है, सिर्फ मैं सुमैया के स्टाइल में।
नहीं वो आटा कब पड़ गया। तो जी अभी हमारा पिज्जा बेक होने के लिए गया हुआ है, तो हमने कहा फ्री टाइम है तो अलाया के साथ हम खेल रहे हैं क्ले क्ले। अलाया कम और हम ज्यादा खेल रहे हैं, ये हम सबने बनाया है। हमारे क्ले गंदे होते थे, बारीक बैठे बैठे गए। अलाया कैसे लग रहे हैं? अच्छे है, नाखून बना लिए, नाखून तो आते नहीं है, नाखून बना लिए। अलाया कैसे अलाया ये खोलना समय खोलना, खोलेगी ना देखेगी। अलाया पीछे हटो बेबी, पीछे हटो। जल गया ये पिज्जा जो है उसका जो ऊपर का हिस्सा है, उसका जो चीज है वो सारी मतलब वो हो गई, मेल्ट हो गई है और थोड़ी अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये ऊपर से चीज चलाया तो बताना चाहिए था ना, मुझे नहीं याद रहा, पर ठीक है जला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया। जी अब मैं पास्ते की रेडी कर रही हूँ, ये मैंने सॉस बना के रखा था, इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी थी, अब मैं इसको गरम कर रही हूँ, गरम करके पास्ता और ब्रोकली डालूंगी एंड देन इस बेकिंग ट्रे में डालूंगी एंड देन ऊपर से चीज एंड देन रेडी। मायने से ये फ्रेश क्रीम है, तो ये आप बना क्या रही हो? ये ब्रंच सॉस। बस फिर क्या डालोगे इसके अंदर और चीज़ें डालोगी? बस पूरा गाइस मेरी बहन ने जला दिया पिज्जा, सारी चीज खराब कर दी है, मतलब जला दी ना चीज, मतलब वो सॉसी सॉसीपन जो अच्छा सा खींच के आता है वो आएगा ही नहीं, तो पिज्जा तो इसलिए खाते हैं। क्या करें गाइस, नहीं फिर भी खाना पड़ेगा, इसको जाया नहीं करते हैं। लेकिन देखिए जल गया पिज्जा हमारा, रेडी हो गया है और इसको हमने कट भी कर लिया है अच्छा, और रंच सॉस भी जो है हमारा रेडी हो गया है, बस हमारे पास्ते को बेक करने के लिए रखा हुआ है, बस उसकी चीज मेल्ट हो जाए फिर मिलते हैं। हमारा पास्ता और पिज्जा रेडी हो गया। अब पिज्जा, अलाया खुश हो? खुश हो अलाया? आप खुश हो? पिज्जा डार्क बना था लेकिन फिर भी खत्म हो गया हमारे, ये सिर्फ बाइक के लिए, सिर्फ ये हमने रखा है बाइक के लिए, बाकी खत्म हो गया। और ये जो पास्ता है वो रुक गया क्योंकि सबने पिज्जा खाया है, पास्ता भी खाना पड़ेगा सबको। मैंने खाई एक प्लेट, आप भी कभी पिज्जा डार्क करके खाएं। तो जी हमने खाना वाना खा लिया है, पास्ता पिज्ज़ा दोनों सबको बहुत पसंद आया, सब ये कह रहे थे कि एक चीज़ बना लेते तो बेस्ट था, लेकिन खैर अब बना लिया दोनों और दोनों खा लिया, लेकिन पास्ता अभी बच गया, लेकिन मुझे बताया सब खा लेंगे बाद में। तो मैं भी व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, देखिए यहाँ पर भी अभी तक आटा लगा हुआ है। खैर तो व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए करें। अल्लाह हाफिज़ लल्लिका, बाय। करने के बाद सफाई भी करनी पड़ती है।